दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले टेलप्रेस H40 टैबलेट के बारे में। टेलप्रेस H40 टैबलेट अबॉट द्वारा बनाया जाता है। इसमें एलमी सैटन 40mg और क्लोथ्रिडोन 12.5mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस MRP लगभग ₹80 है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं टेलप्रेस CH टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं टेलप्रेस H40 टैबलेट के यूजेस के बारे में। टेलप्रेस H40 टैबलेट का इस्तेमाल हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। टेलप्रेस H40 टैबलेट दो दवाओं का मिश्रण है, एलमीसार्टन एंड क्लोथ्रिडोन, जो कि आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब एक दवा के लिए आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाती। इसमें एलमीसार्टन, जो कि आपके ब्लड वेजल को रिलैक्स करता है जिससे आपका ब्लड फ्लो इजीली हो जाता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वही क्लोथ्रिडोन एक डायूरेटिक वाटर पिल होता है जो कि आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी में समस्या होने का जोखिम कम होता है। इस दवा को असर करने के लिए बताए गए अनुसार नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। अब जानते हैं टेलप्रेस यह टैबलेट किस कैसे काम करता है या डोसेस के बारे में। इसे साबुत निगले, इसे ना ही चबाए, ना ही कुचले और ना ही तोड़े। टेलप्रेस H40 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे एक फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए। अब जानते टेलप्रेस H टैबलेट किस प्रकार काम करता है। टेलप्रेस H40 टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जो कि दो दवाओं से मिलकर बना है, टेलमीसार्टन एंड हाइड्रोक्लोथाजाइड, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्टिवली कम करते हैं। टेलमीसार्टन एक रिस्पेक ब्लॉकर होता है, यह हार्मोन अगोनिस्ट को अवरुद्ध करके काम करता है जिससे रक्त वायु को आराम मिलता है। यह ब्लड को सुचारू रूप से फ्लो करने और हार्ट को अच्छी तरह से पंप करने में मदद करता है। वही क्लोथ्रिडोन एक मूत्रवर्धक होता है जो शरीर से अतिरिक्त पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालता है, समय के साथ साथ रक्त वायु को रिलैक्स करता है और रक्त को प्रभाव बढ़ा देता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।